हेलो गाइज, दिस इज किशोर। वेलकम टू एडवांस्ड नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजॉर्डर्स का कुछ एनाटॉमिकल रिव्यू, जो कि कुछ पार्ट्स उसका रिमेनिंग था, ठीक है, कुछ पोर्शन उसका पेंडिंग रह गया था, वो आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, MSN का क्लासेस हमारा कंटिन्यू है। अभी मैंने आपको बताया था कि GI डिजॉर्डर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो GI सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम उसका कुछ एनाटॉमिकल रिव्यू देख रहे थे, ताकि हम आगे चल के जो भी डिजिट उसका एक्सप्लेन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे यहाँ से, वो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ पोर्शन हमने देखा था एनाटॉमिकल रिव्यू का, और कुछ पार्ट पेंडिंग रह गया था। तो चलिए देखते हैं क्या है वो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एसोफागस के बारे में। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोमक से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये जो स्टोमक है हमारा क्या है, वो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, जो कि है प्रोक्सीमल स्टोमक एंड द सेकेंड वन इज डिस्टल स्टोमक, ठीक है। प्रोक्सीमल स्टोमक में क्या क्या आता है, प्रोक्सीमल स्टोमक में आता है कार्डिया, फंडस एंड बॉडी, ठीक है। इसमें इमेज है, आप देख सकते हैं, ये है कार्डिया, ये है फंडस एंड दिस पोर्शन इज नोन एज बॉडी। ओके, तो कार्डिया जो है, कार्डिया किस में आता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कार्डिया जो है वो एसोफागस का लोअर स्पिंक्टर है, ठीक है। ये जो आप कार्डिया देख रहे हैं, ये रहा हमारा एसोफागस। ओके, ये रहा एसोफागस। तो एसोफागस का ये जो लोअर पर्सन है, ये जो लोअर स्पिंक्टर है, ये है कार्डिया, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कार्डिया क्या होता है, स्टोमक के साथ अटैच रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या, कार्डिया का क्या काम करता है, ये जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है, ठीक है, गैस्ट्रिक कंटेंट जो इसमें प्रेजेंट रहता है, उसका रिफ्लक्स ना हो, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक कंटेंट अगर रिफ्लक्स होगा तो ये किस में चला जाएगा, फंडस में, सॉरी एसोफागस में चला जाएगा। ओके, तो ये गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लक्स होकर एसोफागस में ना जाए, इसको कौन कंट्रोल करता है, कार्डिया कंट्रोल करता है। ओके, देन आता है हमारा फंडस, ये पोर्शन को बोला जाता है फंडस, और ये पार्ट है उसका बॉडी। ओके, तो ये रहा प्रोक्सीमल स्टोमक। देन डिस्टल स्टोमक में क्या क्या आता है, फर्स्ट वन इज एंट्रम, इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है एंट्रम। एंट्रम में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा फूड हम इंटेक करते हैं, वो आके एंट्रम में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है। किस में मिक्स होता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड आके एंट्रम में मिक्स होता है। ओके, देन आता है हमारा पाइलोरस। तो पाइलोरस का क्या काम होता है, पाइलोरस जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है, या तो फूड जो भी हम इंटेक करते हैं, उसका रैपिडली एम्प्टी ना हो। ओके, उसका रैपिडली एम्प्टी ना हो, मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जल्दी से एंट्री ना करे, यहाँ से खाली करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जल्दी ना जाए, इसको कौन कंट्रोल करता है, पाइलोरस कंट्रोल करता है। ओके, तो समझ में आ गया आपको कि क्या क्या है, हमारा जो कार्डिया है वो गैस्ट्रिक कंटेंट के रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, देन आता है हमारा फंडस, और देन आता है बॉडी, जो कि हम क्या बोलते हैं इसको, ये तीन पार्ट को प्रोक्सीमल स्टोमक बोलते हैं। देन डिस्टल स्टोमक में क्या क्या आया हमारा, एंट्रम और पाइलोरस, ठीक है। एंट्रम क्या किया कि जो हम फूड इंटेक किए, वो जाके मिक्स होता है एंट्रम में गैस्ट्रिक जूस के साथ। ओके, एंड पाइलोरस क्या करता है, जो हम फूड इंटेक किए वो एम्प्टी ना करे स्टोमक को जल्दी, ठीक है, रैपिडली एम्प्टी ना हो, इसीलिए क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, रैपिड एम्प्टीनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। देन आता है हमारा प्रोक्सीमल पार्ट क्या करता है, और ये पेप्सिन सीक्रेट करता है। ओके, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है पेप्सिन, वो क्या काम होता है पेप्सिन का, पेप्सिन हमारा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटियोजेन पेप्टोन्स में, ठीक है। प्रोक्सीमल पार्ट और क्या काम करता है, पेप्सिन नाम का डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, और पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके प्रोटियोजेन पेप्टोन्स में बदलना। ओके, देन देखेंगे हम पेराइटल सेल, ठीक है। पेराइटल सेल को और क्या बोला जाता है, ऑक्सिंटिक सेल भी बोला जाता है, ठीक है, ये एग्जाम में आया था। ओके, एम्स वाले एग्जाम में आया था बहुत बार। तो पेराइटल सेल को और क्या बोला जाता है,
ऑक्सेंट्रिक सेल भी बोला जाता है, एंड उसको और एक नाम है उसका, क्या बोलते हैं, डेलोमॉर्फोस सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलोमॉर्फोस सेल भी बोलते हैं, जो कि किसमें प्रेजेंट रहता है, हमारा जो फंडस का लाइनिंग है। मैं आपको यहाँ पे दिखाया था, ये जो हमारा फंडस का लाइनिंग है, इस लाइनिंग में प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, ये जो फंडस का लाइनिंग है प्रोक्सीमल स्टोमक का, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा सेल प्रेजेंट रहते हैं, पैराइटल सेल, जो कि क्या सीक्रेट करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl, HCl मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो पैराइटल सेल है, इसका दो और भी नाम है, जिसको हम ऑक्सेंट्रिक सेल बोलते हैं और डेलोमॉर्फोस सेल भी बोलते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, प्रोक्सीमल स्टोमक की फंडस पार्ट में, गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है उसमें ये सेल प्रेजेंट रहते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl। ओके, तो इंट्रिंसिक फैक्टर किस में काम आता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में काम आता है, इसको हेल्प करता है, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और आपको पता है, जब कोई अबनॉर्मालिटी होगा स्टोमक में, या उस अबनॉर्मालिटी के वजह से फंडस पार्ट अफेक्टेड होगा, उसमें से पैराइटल सेल का एब्सेंट होगा और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट नहीं हो पाएगा, तब क्या होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, और क्या कंडीशन देखने को मिलता है, परनीशियस एनीमिया। ओके, जिसको हम एडिसन्स एनीमिया भी बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया को, और क्या बोलते हैं, एडिसन्स एनीमिया भी बोलते हैं, वो भी हम डिजीज पार्ट कवर करेंगे आगे चल के। ठीक है, देन आता है हमारा चीफ सेल। तो चीफ सेल क्या सीक्रेट करता है, पेप्सिनोजेन, रेनिन एंड लाइपेज। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन, ये एग्जाम में बार बार आता है, इसको आपको ढंग से याद रखना है ठीक से। ओके, तो इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सीक्रेट करता है, पैराइटल सेल, और ये जो हमारा पेप्सिनोजेन, रेनिन एंड लाइपेज कहाँ से सीक्रेट होता है, चीफ सेल से। ओके, उसके बाद देखेंगे हम स्टोमक का दो कर्व्स रहता है, इसमें आप देख सकते हैं स्टोमक का क्या है, दो कर्व है। ठीक है, ये जो कर्व है, ये आउटर वाला, ठीक है, ये लंबे वाला जो कर्व है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, और ये जो छोटा वाला कर्व है, इसको क्या बोला जाता है, लेजर कर्वेचर। ओके, तो स्टोमक का दो कर्वेचर समझ में आ गया आपको, एक है ग्रेटर कर्वेचर, एक है लेजर कर्वेचर। ओके, देन देखेंगे हम म्यूकोस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द म्यूकोजल लेयर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, ये है हमारा म्यूकोजल लेयर। ठीक है, हमारा जो भी म्यूकोस ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, वो इसी लेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑटो डाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, और कि कैसे प्रिवेंट करते हैं, एक अल्कालाइन का प्रोटेक्टिव कवर रैप करके, कवर अपीयर करके, सिंथेसिस करके, वो ऑटो डाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। ओके, तो ये था हमारा स्टोमक के बारे में। देन देखेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है, एक है डियोडिनम, एक है जेजियोनम एंड एक है इलियम। इसका भी स्ट्रक्चर आगे है, इसका भी एक फिगर आगे है, मैं आपको उसमें शो कर दूंगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है, मेनली तीन पार्ट में डिवाइडेड है ये। ओके, एक है डियोडिनम, एक है जेजुनम एंड एक है इलियम। ठीक है, डियोडिनम क्या करता है, कंटेंस द ओपनिंग ऑफ बाइल एंड पानक्रियाटिक डॉक्ट। ठीक है, हमारा जो बाइल सीक्रेट होता है, वो बाइल और पानक्रियाटिक जूस सीक्रेट होने के लिए पानक्रियाटिक डॉक्ट, ये दोनों का ओपनिंग को क्या करता है, वो उसमें इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये दोनों डॉक्ट को इंट्रोड्यूस करता है डियोडिनम। ओके, देन आता है हमारा जेजुनम। जेजुनम क्या है, किससे क्वेश्चन आता है जेजुनम रिलेटेड, कि इसका लेंथ क्या है। ठीक है, तो इसमें हम शॉर्टली रिव्यू कर रहे हैं, कि इसीलिए कर रहे हैं कि एक सिस्टम स्टार्ट करने से पहले उसका रिलेटेड जो भी हमारा टर्म एंड कंडीशन है, जो भी डिजीज है, जो भी एब्रिविएशन है, वो हमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका शॉर्ट रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन डिटेल्स में हम इसको एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है, एनाटॉमी पार्ट भी आपका बहुत जल्दी
स्टार्ट होने वाला है। तो ड्यूओडेनम देखे हम, यह है, फिर आता है जेजुनम, ठीक है। तो जेजुनम कितना है, इसका लेंथ कितना है, 8 फीट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जेजुनम का लेंथ कितना है, इसीलिए मैं आपको ये वन लाइन यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ठीक है। देन देखेंगे इलियम, इलियम का कितना है लेंथ, 12 फीट लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन इसका लेंथ कितना है, ये 5 फीट है, ओके, 5 फीट। और आप लिख सकते हैं, अगर मीटर में मेंशन करने के लिए बोला होगा तो आप लिख सकते हैं इसको 1.5 मीटर, ओके। और ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जर्ब करता है और वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करता है, ठीक है। वाटर को एब्जर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारा उसको वो एलिमिनेट करता है। देन आता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे विटामिन, कुछ बी टाइप्स विटामिन्स का क्या करना, सिंथेसिस करने के लिए इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करते हैं, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलन, कॉलन में क्या है, इसमें 3 टाइप्स का कॉलन जुड़े हुए होते हैं, जो कि असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड ट्रांसवर्स कॉलन, ओके, सॉरी असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम एंड सिग्मोइड कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम एंड रेक्टम, ठीक है, इसके साथ अटैच रहते हैं, ओके। देन आता है हमारा पेरिटोनियम, ओके, पेरिटोनियम क्या है, ये एक सीरस मेम्ब्रेन का लाइनिंग है, पेरिटोनियम क्या है, ये एक सीरस मेम्ब्रेन का लाइनिंग है, जो कि किसके साथ रहता है, एक पार्ट रहता है उसका एब्डोमिनल कैविटी के साथ एंड दूसरा पार्ट रहता है उसके इंटरनल ऑर्गन के साथ, ओके। पेरिटोनियम क्या है, एक सीरस मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है जिसका 2 लाइनिंग होते हैं, एक किस में रहता है, एब्डोमिनल कैविटी के साथ अटैच रहता है एंड दूसरा उसका जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको कवर करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लेयर रहता है जिसको क्या बोलते हैं, पेराइटल पेरिटोनियम एंड विसेरल पेरिटोनियम, ओके। पेरिटोनियम का 2 लेयर हैं, एक है पेराइटल पेरिटोनियम एंड द सेकेंड वन इज विसेरल पेरिटोनियम। तो पेराइटल पेरिटोनियम का क्या काम रहता है, पेराइटल पेरिटोनियम क्या करता है, ये एब्डोमेन के जो आउटर लेयर हैं उसके साथ अटैच रहता है, ठीक है। पेराइटल पेरिटोनियम क्या करता है, एब्डोमिनल का जो एब्डोमेन का आउटर लेयर है उसके साथ अटैच रहता है। देन द सेकेंड पॉइंट इज क्या पढ़े थे हम, विसेरल पेरिटोनियम। तो विसेरल पेरिटोनियम क्या करता है कि इसमें जो हमारा इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स है, ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स है उसको क्या करता है, रैप या कवर करके रखता है, ठीक है। एंड इसके जो हमारा आउटर लेयर एंड इंटरनल लेयर, ठीक है, आउटर लेयर और इंटरनल लेयर का जो इनर लेयर का जो दो हमारे बीच में जो स्पेस आता है, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो स्पेस आता है उसको क्या बोला जाता है, पेरिटोनियल कैविटी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखें, पेरिटोनियम का 2 लेयर है, एक है पेराइटल पेरिटोनियम, एक है विसेरल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम क्या करता है कि जो हमारा एब्डोमिनल का आउटर लेयर है उसके साथ अटैच रहता है एंड दूसरा क्या करता है, जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन है विसेरल पेरिटोनियम उसको कवर करके रखता है, ठीक है। तो पेराइटल पेरिटोनियम और विसेरल पेरिटोनियम इनके बीच में जो स्पेस आता है उसको क्या बोला जाता है, पेरिटोनियल कैविटी, ओके। उसके बाद हम देखेंगे लीवर, ठीक है। तो लीवर क्या है, लीवर है हमारा बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं कि बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, वो है लीवर, ठीक है, जो कि वजन में कितना है, 1.4 किलो से लेके 1.8 केजी तक, ठीक है। कितना है वजन, 1.4 केजी से लेके 1.8 केजी तक इसका वेट रहता है, ओके। देन इट इज कंटेंस कफर सेल, इसमें जो सेल प्रेजेंट रहते हैं कौन सा, वो कफर सेल प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, पोर्टल वेनस ब्लड से बैक्टीरियाओं को रिमूव करता है, ओके। किससे रिमूव करता है, हमारा जो
पोर्टल ब्लड सप्लाई रहता है, ठीक है, उसमें क्या करता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं कफर सेल उनको बाहर निकालता है, रिमूव करता है, ओके। और लिवर क्या करता है, रिमूव्स एक्सेसिव ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड फ्रॉम द पोर्टल ब्लड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लीवर, ओके, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो लीवर क्या करता है, तो हमारा पोर्टल ब्लड है उसमें से एक्सेसिव ग्लूकोज और एमिनो एसिड को भी रिमूव करता है, ओके। देन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन की डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ओके। स्टोर्स एंड फिल्टर ब्लड, ब्लड को स्टोर करता है एंड फिल्टर करता है, कितना ml ब्लड स्टोर करता है, कितना ml तक, 200 से 400 ml तक ब्लड स्टोर कर सकता है, ओके। इसमें जो आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा लीवर, ओके, ये है RHD मीन्स राइट हेपेटिक डॉक्ट, ओके, ये है राइट हेपेटिक डॉक्ट। देन LHD लेफ्ट हेपेटिक डॉक्ट, देन CHD कॉमन हेपेटिक डॉक्ट, ओके, ये हो गया हमारा सिस्टिक डॉक्ट, ये हो गया कॉमन बाइल डॉक्ट, और ये हो गया पैनक्रियाटिक डॉक्ट, ओके, ये हो गया हमारा डिओडिनम, एंड ये जो है ये लेयर है ये हो गया हमारा एम्पुला ऑफ वेटर, ओके, जहाँ पे ये इंट्रोड्यूस होता है एम्पुला ऑफ वेटर में, वो ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्प्रिंक्टर ऑफ ओडी, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट इसमें स्लाइड में। और लीवर का क्या काम होता है, ये क्या करता है, स्टोर्स विटामिन ADB एंड आयरन, विटामिन ADB एंड आयरन को भी स्टोर करके रखता है, ओके। सीक्रेट्स बाइल टू इमल्सिफाई फैट, फैट की ब्रेकडाउन के लिए क्या करता है, बाइल सिक्रेशन करता है, कितना ml, 500 से 1000 ml पर डे तक बाइल सिक्रेट होता है, ओके, क्यों, क्योंकि फैट का ब्रेकडाउन किस में होता है, बाइल के कारण ही फैट का ब्रेकडाउन होता है, ओके। देन हेपेटिक डॉक्ट डिलीवर बाइल टू गॉल ब्लैडर वाया सिस्टिक डॉक्ट, ओके, ये जो हेपेटिक डॉक्ट है, ओके, कॉमन हेपेटिक डॉक्ट जो है हमारा, ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर को बाइल कैसे सिक्रेट करता है, वाया सिस्टिक डॉक्ट, ओके। उसके बाद कॉमन बाइल डॉक्ट ओपन हेपेटिक डॉक्ट एंड टू द डिओडिनम वाया कॉमन बाइल डॉक्ट, ओके। तो ये जो है हमारा कॉमन बाइल डॉक्ट, ओके, तो डिओडिनम को गॉल ब्लैडर को कहाँ से देता है बाइल, सिस्टिक डॉक्ट के माध्यम से, एंड डिओडिनम को कहाँ पे देता है, कॉमन बाइल डॉक्ट के माध्यम से, ओके। ये जो कॉमन हेपेटिक डॉक्ट है ये गॉल ब्लैडर को बाइल कैसे पहुँचाता है, सिस्टिक डॉक्ट से, ओके, एंड डिओडिनम को कैसे पहुँचाता है, कॉमन बाइल डॉक्ट से, ओके। देन देखेंगे हम, कॉमन बाइल डॉक्ट ओपन इन टू द डिओडिनम विथ पैनक्रियाटिक डॉक्ट एट द एम्पुला ऑफ वेटर, में आपको बताया था ये जो हमारा ऐसा है डिओडिनम, ओके, ये है हमारा पैनक्रियाज, ठीक है, तो यहाँ से हमारा आया कॉमन बाइल डॉक्ट, ओके, कॉमन बाइल डॉक्ट आया, और यहाँ से आया हमारा पैनक्रियाटिक डॉक्ट, ओके, ये हो गया हमारा कहाँ, किसका, डिओडिनम का हो गया एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, और यहाँ पे एक ओपनिंग रहता है जहाँ पे कॉमन बाइल डॉक्ट एंड पैनक्रियाटिक डॉक्ट दोनों क्या करते हैं, इसके अंदर एंटर करते हैं, ओके, इसके साथ अटैच होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ डिओडिनम, जस्ट ए मिनट, द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ डिओडिनम फॉर पैनक्रियाटिक डॉक्ट एंड कॉमन बाइल डॉक्ट इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, जिसमें क्या करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये भी एग्जाम में आते रहते हैं ये क्वेश्चन, स्फिंक्टर ऑफ ओडी में क्या होता है कि हमारा पैनक्रियाटिक डॉक्ट एंड कॉमन बाइल डॉक्ट आके डिओडिनम में अटैच होते हैं, वो पॉइंट को क्या बोला जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ओके। और स्फिंक्टर ऑफ ओडी का क्या फंक्शन रहता है, प्रिवेंट्स द रिफ्लक्स ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट इनटू द कॉमन बाइल डॉक्ट एंड पैनक्रियाटिक डॉक्ट, ओके, तो इंटेस्टाइनल कंटेंट जो है वो
कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट में रिफ्लक्स करके ना एंटर करे, इसको कौन प्रिवेंट करता है? स्पिंक्टर ऑफ ओडी भी प्रिवेंट करता है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर का क्या काम रहता है? स्टोर्स बाइल एंड रिलीज इट इनटू द डियोडेनम फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, जो हेपाटिक डक्ट से बाइल आता है गॉल ब्लैडर में, वो उसमें क्या होता है, स्टोर करके रखता है, और जब फैट की डाइजेशन की ज़रूरत आएगा, ठीक है, वो बाइल को रिलीज करता है। ठीक है, सिस्टिक डक्ट जॉइन द हेपाटिक डक्ट टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा सिस्टिक डक्ट एंड इसमें हमारा आया हेपाटिक डक्ट, ओके, तो वो क्या करते हैं, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करके वो क्या करते हैं, ये होता है कॉमन बाइल डक्ट। ओके, ये क्या हो गया, कॉमन बाइल डक्ट। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है एनाटॉमिकल रिव्यू का जो सेकंड पोर्शन पेंडिंग था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्लासेस से हम जो स्टार्ट करेंगे वो है डिजीज पोर्शन स्टार्ट करेंगे जीआई सिस्टम का। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन रहा यहाँ पे ये जो एनाटॉमिकल रिव्यू से रिलेटेड, जो कि सराउंडिंग से इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, प्रोकिलियन प्रेजेंट ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन आता है बोल के ये लास्ट क्लास में आपको बताया था, आप जो भी स्टूडेंट्स वो लास्ट क्लास को देखे नहीं है एनाटॉमिकल रिव्यू का, फर्स्ट क्लास को देखे नहीं है, वो क्लास को अटेंड कीजिए, और उसमें मैं यहाँ पे वहाँ पे उसको बताया हूँ कि प्रोकिलियन कहाँ पे प्रेजेंट होता है विथ फिगर, मैं वहाँ पे मेंशन किया हूँ। ओके, देन द फर्स्ट टीथ अपीयर एट व्हिच एज, फर्स्ट टीथ जो चाइल्ड का अपीयर होता है वो कौन सी एज में होता है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज द अपर सेंट्रल इंसिजियर अपीयर एट व्हिच एज, अपर सेंट्रल इंसिजियर जो अपीयर होता है वो कौन सी एज में अपीयर होता है। देन व्हाट आर द मेथड यूज फॉर टीथ डिटेक्शन इन चाइल्ड एंड अडल्ट, जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में, ओके, कि कौन सा टीथ कितना निकलता है उसका एक फॉर्मूला है, वो भी आपको लिखना है, याद करके रखना है। ओके, देन नंबर फिफ्थ इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसोफागस, एसोफागस का लेंथ क्या है। नंबर सिक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ अपर एसोफाजियल स्पिंक्टर, ओके, अपर एसोफाजियल स्पिंक्टर का नाम क्या है। रेनिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम व्हिच सेल, ओके, जो रेनिन सिक्रेशन होता है वो कौन सी सेल से होता है। देन नंबर एट इज इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड फ्रॉम व्हिच सेल, ओके, अभी मैं आपको बताया था। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ जेजुनम एंड इलियम रेस्पेक्टिवली, जेजुनम एंड इलियम का लेंथ क्या रहता है, ये भी आपको याद करके रखना है। देन स्पिंक्टर ऑफ ओडी इज लोकेटेड इन व्हिच पार्ट, स्पिंक्टर ऑफ ओडी अभी मैं आपको बताया किस में लोकेशन होता है, ये लोकेटेड होता है डियोडिनम में, जो कि उसमें क्या होता है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी जो पॉइंट है ओपनिंग है उसमें हमारा कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करते हैं, अटैच होते हैं डियोडिनम में, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी। तो गाइज ये था हमारा एनाटॉमिकल रिव्यू जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है आज। ओके, नेक्स्ट क्लासेस से हम क्या करेंगे, जीआई सिस्टम रिलेटेड डिजॉर्डर्स डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।